हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने एनसीईआरटी क्लास सिक्स हनीसकल बुक में से चैप्टर सेकंड के पीछे दी हुई पोइम द काइट का एक्सप्लेनेशन किया था, उस पोइम को समझा था। आज उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। पेज नंबर 28 निकाल लीजिए सब लोग। So let's start working with the poem. Question number first, list out the action words in the poem. Poem के अंदर जो action words आए हैं, action words means की verb, जो आप action करते हैं, जो आप क्रिया करते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, verb भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे action word जो इस पोएम में आए हैं, उन एक्शन वर्ड्स को हम यहाँ पे लिखेंगे और उनका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट आपको फर्स्ट थ्री एक्शन वर्ड्स दे रखे हैं, डाइव, डिप, स्नैप्स। डाइव, डिप, स्नैप्स। फोर्थ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, सोर्स, एस ओ ए आर एस, सोर्स। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके राइड्स, राइड्स, आर आई डी ई एस, राइड्स। फिर आ जाएगा आपके फ्लैप्स, एफ एल ए पी एस, फ्लैप्स। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पुल्स, पी यू डबल एल एस, पुल्स। ठीक है, ये वर्ड आपके आ जाएंगे। ओके, अब फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अब क्या करना है, जो ये वर्ड आपने लिखे हैं इनकी मीनिंग आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे फर्स्ट जो वर्ड है डाइव, डाइव का मीनिंग होता है, मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं या आपको पेपर पे समझा दूं, एक पेपर पे समझा देता हूं। ये पेपर है, सबसे फर्स्ट वर्ड है डाइव। फर्स्ट वर्ड कौन सा है? डाइव। डाइव डाइव का मीनिंग होता है टू एंटर इनटू वाटर, इंटेंशनली मतलब आप पानी के अंदर गोता लगाते हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है डाइव। और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू एंटर इनटू वाटर इंटेंशनली, आपका इंटेंशन होता है पानी में डाइव करने का, ठीक है, गोता लगाना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिप, डी आई पी, डिप। डिप का मीनिंग होता है टू एंटर into water momentarily, to enter into water momentarily, okay, to enter into water momentarily, m o M E N T A R I L Y, ये M है ध्यान रखें आप, M O M E N T A R I L Y, ये L है, momentarily, dip, इसका मतलब भी गोता लगाना होता है। थर्ड जो वर्ड है वो है आपके snaps। कौन सा वर्ड है? snaps। snaps का मीनिंग होता है
टू मेक अ शार्प, मतलब किसी चीज को फाड़ देना, चीर देना, टू मेक अ शार्प। फिर आता है शॉर्ट्स, एस ओ ए आर एस, टू फ्लाई अलॉफ्ट, मतलब ऊपर की ओर उड़ना, ठीक है, तेज गति से। राइड्स, आर आई डी ई एस, मतलब आप राइड करते हैं ना गाड़ी पे, या किसी एनिमल के पीठ पर बैठकर या किसी के ऊपर बैठकर, टू शिट। एंड ट्रैवल ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर की बैक पर बैठकर आप ट्रैवल करते हैं, या जानवर की बैक पर बैठते हैं, या गाड़ी पर बैठ के गाड़ी चलाते हैं, उसको बोलते हैं राइड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लैप्स, एफ एल ए पी एस, फ्लैप्स, फ्लैप्स, फ्लैप्स वर्ड का जो मीनिंग है टू टॉस शार्पली, ठीक है, टू टॉस शार्पली। नेक्स्ट वर्ड आता है पुल्स, पी यू डबल एल एस, पुल्स, टू एक्सर्ट फोर्स, मतलब खुद की ओर फोर्स लगाना, यानी कि खींचना, अपॉन, टू एक्सर्ट फोर्स अपॉन, ठीक है, इसका ये मीनिंग हो जाएगा, मतलब कि खींचना, पुल का मतलब होता है खींचना। नेक्स्ट जो वर्ड है, बस इतना ही वर्ड है, डाइव हो गया, डिप हो गया, स्नैप्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, राइड्स हो गया, फ्लैप्स हो गया और पुल्स हो गया। तो ये एक्शन वर्ड भी है और इनके मीनिंग भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आप अपनी होमवर्क की नोटबुक में नोट कर लें, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम दी पोएम, पोएम के अंदर ये लाइन्स रीड कीजिए। देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट इज कंपेयर्ड टू अ शिप, मतलब जो टेललेस यानी कि बिना पूंछ की जो पतंग होती है उसको कंपेयर्ड किया गया है शिप के साथ, किसके साथ, जहाज के साथ, पतंग को, पतंग को किसके साथ कंपेयर्ड यानी तुलना की गई है, जहाज के साथ उसकी तुलना की गई है, विथ अ शेल, दिस इज कॉल्ड अ सिमिली, मतलब किसी भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से, या एक पर्सन को दूसरे किसी पर्सन या कोई भी थिंग से रिलेट किया जाता है, यानी उनकी कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, उस प्रोसेस को सिमिली कहा जाता है। ये लिटरेरी टर्म में आता है, ठीक है, लिटरेरी टर्म। ही रन्स लाइक, वह किसकी तरह दौड़ता है, ही रन्स लाइक, मैं लिख सकता हूं यहां पे अ डियर, ही रन्स लाइक अ डियर, डियर यानी हिरन होता है, ही रन्स लाइक अ डियर, तो ये यहां पे फिलअप में आ जाएगा डियर। तो मैंने ही जो वो दौड़ने वाला है उसकी तुलना की है डियर से, कि वो हिरन की तरह दौड़ता है ना। ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, वह घोड़े की तरह खाता है, मतलब खाने में उसकी जो कैपेसिटी है बहुत ही अच्छी है। सी सिंग्स लाइक, सिंग्स का मतलब गाना होता है, किसकी तरह, क्योंकि नाइटिंगल एक ऐसा पक्षी है जिसकी आवाज बहुत ही सुरीली है, तो हम भी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का गाने के तरीके को अगर हम किसी के साथ कंपेयर करेंगे, तो अच्छी आवाज़ के साथ कंपेयर करेंगे, अगर उसकी आवाज़ अच्छी है तो वो नाइटिंगल की तरह, नाइटिंगल एक पक्षी है जो बहुत ही
उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है, तो उसके साथ हमने उसको कंपेयर किया। इट्स साइंस लाइक ग्लो वॉर्म। एक ग्लो वॉर्म आता है, वॉर्म यानी कि केंचुए टाइप एक जानवर है, कीड़े मकोड़ा कह सकते हैं आप उसको, जो ग्लो करता है, मतलब ग्लो वॉर्म, चमकीला। इसलिए वो किसकी तरह चमकता है? ग्लो वॉर्म की तरह चमकता है। इट फ्लाइज लाइक अ काइट, पतंग की तरह उड़ती है। यह पतंग की तरह उड़ती है ना, पतंग की तरह, लाइक अ काइट। तो मैंने ही का कंपेयर किया दौड़ने से डियर की, डियर के साथ, उसके खाने का कंपैरिजन किया हॉर्स के साथ, उसके गाने का कंपैरिजन किया नाइटिंगेल के साथ, उसके चमकने का कंपैरिजन किया ग्लो वॉर्म के साथ, और उसके उड़ने का कंपैरिजन किया काइट के साथ। तो एक वस्तु का या एक पर्सन का दूसरी वस्तु से या एक पर्सन का दूसरे पर्सन से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये लिटरेरी टर्म में आता है, और लिटरेरी टर्म में सिमिली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो है एक चीज़ को दूसरी चीज़ या एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ या एक थिंग को दूसरी थिंग के साथ कंपेयर करते हैं, और उसमें लाइक का यूज़ ज़रूर करते हैं। लाइक 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 लाइक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको अपने आप करना है। ट्राई टू मेक अ काइट विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मिलकर पतंग बनाने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। पतंग कैसे बनती है आपको पता ही है, आपको स्क्वायर शेप में एक पेपर लेना है, स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जो जिसकी सारी साइड्स जो है वो बराबर होनी चाहिए, उसको बराबर कट कर लें आप, ठीक है। फिर आपको दो छड्डे लेने हैं, मतलब दो पतली पतली डंडियां लेनी है, दो पतली पतली डंडियां लेंगे, एक तो यहाँ सीधी लगाएंगे आप और एक को ऐसे राउंड करके आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और नीचे आप एक जो है नीचे ऐसे करके आप उसको पतंग बना सकते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे बनेगी पतंग, और फिर आप उसको उड़ा सकते हैं, न्यूज़पेपर से वगैरह किसी से भी आप इसी तरीके से पतंग बना सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। तो ये जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, ये होमवर्क है आज का, पेज नंबर 28, बुक है हनी सकल, क्लास है 6, पोएम है द काइट, और वर्किंग विद द पोएम ये इसकी एक्सरसाइज है। ये सारा काम आपको अपने होमवर्क में करना है। थैंक यू।